बागपत के बड़ोद कोतवाली क्षेत्र के ओसिका गांव में आधा दर्जन लोगों ने एक बुजुर्ग व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या कर दी। इस मामले में दो अन्य युवक भी घायल हुए हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया। बता दें कि मृतक जाजू पुत्र शेरदीन उम्र 67 वर्ष ओसिका गाँव का रहने वाला था। सोमवार को गाँव में यूसुफ पक्ष के लोगों ने खेलने को लेकर उसके भतीजे सलीम व तनसीर के साथ मारपीट कर दी थी। झगड़ा अधिक बढ़ता देख जाजू ने बीच बचाव शुरू कर दिया, लेकिन हमलावरों ने जाजू को भी नहीं बख्शा। उन्होंने नाले की खोदी जा रही नींव में डालकर जाजू की जमकर धुनाई। इस पिटाई से जाजू ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। सूचना पर बड़ोद कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भिजवा दिया। इसके अलावा घायल सलीम व तनसीर को CHC बड़ोद पर उपचार के लिए भर्ती कराया गया। जाजू की मौत से जहां परिवार में कोहराम मचा हुआ है, वहीं इस घटना के बाद दोनों पक्षों में तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। पुलिस ने फिलहाल 3 लोगों को मौके से हिरासत में भी लिया है, जिनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं पीड़ित परिजनों की तहरीर के आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक टीवी। 9 साल जी क्या हुआ है? 9 साल जी आपस में झगड़ा रहे बच्चों बच्चों में, तो ये झूठा रहे थे। इन्होंने अपने भतीजे का मारे भी, तो उन्होंने आगे धक्का वक्का देगा नी में दाब के उसका मार मूर दिया। किन्होंने मारे? कौन थे? यीशु फैजी उसका नाम, लड़के का नाम वसीम है। और भी गए थे जी? और भी गए थे। क्यों झगड़ा हुआ था? पता नहीं किस बात को। एक हम तो जो खेत में से ही आए थे। कैसे हत्या करी? नी में गिर गए, गेर का मार दिया इसको। कहीं से? हाथ पैर से जी, गड़ा दोबारा खता ऊपर पड़े थे 2-3। हाँ जी। क्या नाम है? जाजू जी।